नमस्कार बिल एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते में अगर एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर काफी मिक्स व्यू रहा है, जहां पे हमने कैस्टर में 3.5% की तेजी देखी, मैंथा रेंज बाउंड था। कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जहां पे कॉटन के अंदर हमने 1.5% की गिरावट जबकि कॉटन सीड ऑयल के अंदर 0.5% की गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड किया है। गवार कॉम्प्लेक्स रेंज में है बट फिर भी पिछले एक हफ्ते में 1 से 1.25% की तेजी देखी गई है, जबकि मसालों के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखाई दी है। इंडिविजुअली देखें तो कैस्टर के अंदर क्रॉप साइज SEA के द्वारा अच्छी बताने के चलते मार्केट में करेक्शन जरूर आया था, बट अब कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से बाइंग बढ़ते हुए दिखाई देगी जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो 5950 पे लेके चलिए 6100 के टारगेट के लिए। मैंथा ग्रीन बाउंड रहेगा, 920 के नीचे मिलता है लेके चलिए 935 से 940 का टारगेट रह सकता है। समर डिमांड अच्छी रहेगी, स्विंग में कमी की वजह से प्राइसेस को तेजी मिलेगी। कॉटन कॉम्प्लेक्स में वैसे तेजी है बट अब हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग पोजीशन CFTC पे बना था वो अब कम हुआ है, जिसके चलते प्राइसेस में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी है। तो 90 से 91 सेंट तक का लेवल एक बार पुलबैक दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 60,000 तक का सपोर्ट बनता है। वही कॉटन सीड ऑयल केक में हमने गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं, 26-40 के करीब मिले तो लेके चलिए 27-20 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। गवार कॉम्प्लेक्स पहले भी हमने देखा था कि मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। हेजर्स की एक्टिविटी अभी भी बढ़ी हुई है लेकिन लो लेवल पे हम देख रहे हैं कि बाइंग भी ऑल नॉट रही है। तो अगले एक हफ्ते के लिए गवार कॉम्प्लेक्स फिर से एक रेंज में रहेगा, जो 5100 के नीचे नहीं तो 5420 के ऊपर भी नहीं दिख रहा है। वहीं गवार गम में भी 10,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है और 10600 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के 5150 के करीब लीजिए 5300 के टारगेट के लिए। गवार गम में 10,000 के करीब लीजिए, 9700 का स्टॉप लॉस लगाइए 10600 के टारगेट के लिए। मसाले के अंदर हाई वोलेटिलिटी, हमने 20,000 का लेवल लगभग छूने के बाद प्राइसेस में 17200 तक का लेवल हल्दी में आते हुए देखा है। अभी भी अराइवल प्रेशर बीच में जो बड़ा था वो अब कम हो चुका है, 17-17200 के करीब मिले लेके चलिए 18.5 का टारगेट। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली 20,000 के ऊपर का है बट टाइमिंग मार्केट में हम एक दायरा देखेंगे। वहीं जीरे के अंदर भी 23 से 26,000 का रेंज रहेगा। इंटरडे के लिहाज से या एक हफ्ते के लिहाज से 23,500 के करीब मिलता है लेके चलिए ऊपर में हम 25,000 तक का लेवल देखते हैं, जबकि कोरिएंडर करंट लेवल से काफी बेहतरीन लग रहा है। 7650 पे लेके चलिए 7550 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7900 तक के लेवल हम कोरिएंडर में भी आते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के पूरे मसाले पैक के अंदर धनिया हल्दी और जीरा तीनों में ही एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेजर जो जब मिलेगा वो धनिया में और हल्दी में मिलेगा, जीरे में समय लग सकता है।